Dear friends, welcome you all on my YouTube channel on environmental science. दोस्तों आज हम सोलर एनर्जी का पार्ट 3 यानी कि एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो नवंबर 2017 में यूजीसी नेट में पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया था। अ सिंगल सोलर सेल प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट एंड अ करंट अप टू 2.5 एम्पीयर इफ द सोलर इंसुलेशन इज 800 वाट पर मीटर स्क्वायर द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल इज। तो इस क्वेश्चन हमसे पूछा है एफिशिएंसी में फाइंड आउट करनी है, तो हमें जो जो गिवन है हम उसको पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें एरिया गिवन है सोलर सेल का, वो है 10 × 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। तो हम जब इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 10^4, इसे डिवाइड बाय 10^4 करेंगे तो हमारा जो आएगा 0.0100 मीटर स्क्वायर आएगा। हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है 0.5 वोल्ट, और जो हमारा करंट है आउटपुट वो है 2.5 एम्पियर, और जो हमें ऐसा ही यानी सोलर इंसुलेशन दिया है वो हमारा 800 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी। दोस्तों सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में लगातार पूछे गए हैं, तो आपको बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है और आपको जो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप अगर वैसे उसको क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे। तो हमने गिवन हमने देख लिया था कि हमें क्या गिवन है, अब देखते हैं हमें इसमें कौन कौन से हमें फॉर्मूला यूज करने हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा इसमें एक होगा पावर आउटपुट का और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा एफिशिएंसी का। तो बेसिकली पावर आउटपुट हमारा क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट, जो हमारी करंट आ रही है तो हमारा 0.5 वोल्ट इंटू 2.5 एम्पियर, तो हमारा आ गया 1.25 वाट, दैट इज वाट। ठीक है, इतना हमारा पावर आ गया। तो हम पावर को जो हमारा पावर है ये हमारा आउटपुट पावर है। एफिशिएंसी हमारी क्या होती है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर को हम क्या लिखते हैं सोलर इंसुलेशन इनटू एरिया। तो हमें सोलर इंसुलेशन गिवन है, एरिया गिवन है और आउटपुट पावर पी नॉट हमने कैलकुलेट कर दिया 1.25 वाट। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1.25 पी नॉट की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, वाट आएगा और 800 वाट पर मीटर स्क्वायर हमारा सोलर इंसुलेशन है और जो हमारा है एरिया वो हमने मीटर स्क्वायर में निकाल लिया है क्योंकि हमारी जो सोलर इंसुलेशन की यूनिट है मीटर स्क्वायर है। दोस्तों आप सबको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, आप अगर एरिया मीटर में ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे वाट पर मीटर स्क्वायर जो यहाँ पे ऐसा ही यूनिट है वो भी मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे किलोमीटर है तो आपको एरिया किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, आपको वाइस वर्सा जैसे होगा वैसे करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने हम सारी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है 15.62% आएगा। दोस्तों धन्यवाद, अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और आपको इसके अलावा किसी और क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए होगा तो जरूर कमेंट करके हमें